23 मार्च 1985 को उस वक्त के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय शहीदी मेमोरियल हुसैनीवाला में मनाया गया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में ये मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया गया। आओ चलते हैं इन शहीदों से मिलने और उन्हें नमन करने। हर बार मनाया स्वतंत्रता दिवस, इस बार भी मनाएंगे, गाकर जन गण मन हम तिरंगा फिर लहराएंगे। यह देश की खातिर मिटने वाले तीनों ही शहीद हो गए, हम बनकर चमचे नेताओं के उनके ही मुरीद हो गए। आज हर नेता ही लूट रहा जमकर तुझे ऐ देश मेरे, क्या हमारी कुर्बानी पर कभी निकले हैं आंसू तेरे। हमारा भी परिवार था जो देश के लिए दिया त्याग, कब बुझेगी यह तो बता दे, यह सत्ता की तेरी आग, यह सत्ता की तेरी आग। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तरफ ही हम गाड़ी पे जा रहे हैं इंडियन की तरफ। ये देखो हिंदुस्तान का जो है वो दरिया आ रहा है, इसको ब्यास दरिया कहते हैं, जो वो इस तरफ सतलुज और ब्यास दरिया इस तरफ है, जो पाकिस्तान की तरफ है। दीवार लगी हुई देख रहे हो टीन की, ये पाकिस्तान की तरफ है, ये पाकिस्तान की तरफ पूरी कवर किया हुआ है। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान के आखिरी रेलवे स्टेशन पे, तो आओ आपको दिखाते हैं। पीछे देख सकते हो ये है हिंदुस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन हुसैनीवाला, तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान का बॉर्डर है। इंडियन रेलवे यहाँ तक आती है तो यहाँ से ही वापस चली जाती है, उसके दो डब्बे होते हैं, एक आगे और पीछे होती है। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा भी आप दोनों तरफ पाकिस्तान वाली तरफ भी दिखाए और इस साइड भी दिखाना सारा। ये इसी ट्रैक पर दिल्ली लुधियाना की तरफ से होके पाकिस्तान को यहाँ से ट्रेन जाती थी। 1947 के बाद हिंदुस्तान सरकार ने इससे आगे ट्रैक बंद कर दिया था, और देख सकते हैं एंड ऑफ नॉर्दर्न रेलवे लिखा है, और यहाँ से ही ट्रेनें सारी वापस चली जाती हैं। ये हिंदुस्तान का लास्ट रेलवे ट्रैक है हुसैनीवाला का।